नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पार्ट 19 के साथ। आई होप आपने पूरे के पूरे पार्ट 18 जो हैं वो पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 3200 का प्रीवियस ईयर जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का, ठीक है, प्लेटफॉर्म की जो बुक आती है उसको हम लोग कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 361 से 380 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो 61 से लेके 80 तक आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आई बिलीव कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा एग्जाम में। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करिए, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको कैसे करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को खुद करना है, फिर मेरा तरीका देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है। ध्यान रखिए, पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, पेन पेंसिल जो जो है, कॉपी रजिस्टर जिसमें भी करना हो वो लेके बैठ जाइए। ऐसे ही फालतू में वीडियो मत देखिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। मैंने आपको बताया था जितने भाग, कितने भाग दिए गए हैं, आधा आधा मतलब दो भाग, मतलब इतने की कुछ स्पीड में, इतने की कुछ स्पीड में, इक्वल डिस्टेंस है, 2 × 2 इन दोनों का एलसीएम डिवाइडेड बाई एफिशियंसी का सम। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, 2 × 40 और 50 की एफिशिएंसी, सॉरी एलसीएम कितना 200, अच्छा इनकी एफिशिएंसी 40 से ये 5 और ये हुआ 9, इसका मतलब 4, अरे मतलब ये होगा 4, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 400 डिवाइडेड बाई 9। ध्यान दीजिए ऊपर गया तो कितना होगा, 36 होगा, कितने बार जाएगा, 4 बार, फिर से बचेगा 44.44। 40 के ऊपर दो ही ऑप्शन थे, 45 और 44.44, 45 हो नहीं सकता क्योंकि पूरा कटेगा नहीं, तो एक ही आंसर है 44.44 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बस देखना है 40 के ऊपर कौन है, ये दो थे लेकिन ये जो था पूरा कट रहा था लेकिन ये नहीं कट रहा था, जो नहीं कट रहा था वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में किसी एक क्रम को से जमाना होगा सीरीज को। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ, तो सबसे पहले आएगा, अच्छा पहले देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब चौथा वाला टर्म। सो 1, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 6, 6 आ गया चौथा वाला टर्म। सो विच ऑप्शन विल द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। ये 5 थी, परछाई कितनी हो गई 3, ठीक है। अब बोल रहा है उसके बाद उसने नापा, पा होगा ये नामा नहीं है, ये नापा की स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल के इमारत की लंबाई कितनी होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू 30 है, तो देखो ना कितना बड़ा, मल्टीप्लाई बाई 10, सो ऑब्वियसली जो हाइट होगी ये भी हो जाएगी कितनी, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितनी हो जाएगी 50, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है, पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति, अभी किया ये क्वेश्चन। सो 2 × LCM 50 × 60, 50 और 60 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 300 होगा, है ना। और इनकी एफिशियंसी तो 5 से जाएगा ये 6 बार और ये जाएगा कितना 5 बार, मतलब 600/11, मतलब ये 5, 55, मतलब 5 से ऊपर वाले कितने ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, क्या ये पूरा पूरी कट जाएगा पॉइंट में, नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ऐसे करके आपको जो है
ऑप्शंस में से अलग अलग करके बांटना है, ऐसे सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ देखते ना, पेन कॉपी चलाने की, पेन जो है कॉपी में चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, आपको पता है जितने जितने भाग कर रहे हैं इसमें दो इक्वल इक्वल भाग होने चाहिए, दो इक्वल भाग, एलसीएम देगा 300। दिमाग में कैलकुलेशन करिए, 600 डिवाइडेड बाई 11, इसका मतलब 55, 5 के ऊपर जाएगा और ऐसा जाएगा जो फुल्ली, मतलब ऐसे जैसे 50.5 तो फुल्ली चला गया, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो 54.24। समझ में आया? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सो ए 15, बी 18, टोटल काम कितना हो गया 90, इसकी आ गई 6, इसकी आ गई 5, दोनों मिलके करेंगे 11, 11 वाला ऑप्शन एक ही है, लगा दो आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 वस्तु का किराया मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा बोले किराया मूल्य और विक्रय मूल्य वाला केस, उनको पलट दो। तो क्या कर दो, यहाँ 120 और 80, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 से 120 कर दो, कितने की बढ़ोतरी, 40 की, किस पे, 80 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 50% की क्या हुई, लाभ हुआ। समझ में आया? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक घनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए अगर संख्या ले लूं 36, तो देखिए ना 36 ये है ना, 36 आंसर यही हो जाएगा, है ना। देख क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 6, कितना ज्यादा है। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 बटे 11 का एलसीएम है ना, सो 25 बटे 7, दूसरा क्या 15 बटे 28 और तीसरा क्या है 20 बटे 21, इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम बोले तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएम। यहाँ ध्यान से देखिए 7, 28 और 21, तो 7 को 7 मल्टीप्लाई बाई 1 ये, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 ये, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। कौन से वाले ऑप्शन में नीचे 7 है, देखिए एक ही ऑप्शन में नीचे 7 है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समान बॉक्स का आयम, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता, मतलब देखिए लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया और हाइट दे दिया। अब वो बोल रहा है कोई भी बॉक्स कैसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना बॉक्स। तो इसमें देखिए लेंथ दे दिया कितना 80, ठीक है, ब्रेथ दे दिया कितना 60 और हाइट दे दिया 40। अब क्या करना है, अब बोल रहे कपड़ा ढकने के लिए, तो कपड़ा ढकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका जो टोटल एरिया है, ये वाला एरिया जो कवर करना है, उसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। सो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, सो 80 × 60 48 शून्य शून्य प्लस बेस, ये अब इन दोनों का मल्टीपल 24 शून्य शून्य प्लस एच इंटू एल 32, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये, दो और चार 6 और 8 12 13 14, मतलब 4 × 8 मतलब देखिए थर्ड वाला 8 कौन सा है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। कितना जाएगा आंसर, 20 800, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता है दोस्तों आप लोगों को ना ऐसे यूनिट डिजिट में खेलना है। देखिए कैसे दिमाग लगाया, जैसे ही मैंने इनको जोड़ा मैंने देखा अरे ये तो 10 से ऊपर निकल जा रहा है, 10 से ऊपर निकल जाएगा मतलब जो यहाँ पे दूसरा वाला टर्म है वो प्लस करने के बाद तीसरा टर्म बन जाएगा ना, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब उसके बाद, और टैप प्लस करने से भी 10 के मल्टीपल 10 से ऊपर आ जा रहा है। तो मैंने देखा कि अरे ये जो दूसरा वाला है वो क्या हो जा रहा है, वो तीसरा बन जाएगा। मैंने इनको जोड़ के देखा 4 आ रहा था, मतलब 4 × 8 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो ऐसे करके हमने ढूंढ लिया। समझ में आया? पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनका व्यय क्रमशः 14,000 और 10,000 के अनुपात में है, 14,000 और 10,000 के अनुपात में है। यदि ए की बचत 4,000 रुपए तो बी की बचत ज्ञात करिए। देखिए जो उनका व्यय ये दिया गया है और ये दिया गया और उनकी आय, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। किसी को जो सैलरी मिलती है, आय जो होती है, उसमें वो जितना पैसा खर्च किया दूसरे चीजों में और उसकी जो जितनी बचत, तो यही होती है आय। तो देखिए यहाँ पे 14,000 उसका क्या है, व्यय है और उसने बचा कितने लिए, ए ने 4,000 और बचा लिए, इसका मतलब उसका टोटल आय क्या हो गया 18,000। 3 की वैल्यू क्या है 18,000, क्योंकि ये क्या है, ये उनके आय के अनुपात दिए हैं। 3 का अगर 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी 6,000, 1 की अगर 6,000, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, तो बी की बचत ज्ञात करिए। तो इसका मतलब इसकी, इसका आय कितना हो जाएगा, 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,000, तो 1,00,000 हो गया। 1 मिनट, बारह हजार। अभी क्या दिखा रहा है, 10,000 इसकी क्या हो गई, इसकी जो है व्यय है। तो यार जब आय इतनी है, व्यय इतना है, माइनस कर दो 10,000, है ना, तो मेरा कितना आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्वियसली बचत निकल के आ जाएगी, विच इज हाउ मच, 2,000, ऑप्शन नंबर। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस करके यूज करके क्वेश्चन करना है, कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम 120 तथा मासा जो है एचसीएफ 35 है, यदि एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं लिखूंगा, काटूंगा, देखिए आपको पता है 105 नीचे जाएगा और उन दोनों का मल्टीपल होगा, तो ये क्या हुआ, ये आपका जाएगा कितना 3 बार और ये 3 से ये गया तो मतलब 70, आंसर 70 है। समझ में आया, कुछ काटने की जरूरत नहीं। देखिए आपको पता है ऐसा कुछ आएगा, है ना, सो जब मैं इसको नीचे उतारूंगा आपको दूसरा वाला नंबर मिल जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 70। समझ में आया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 5, 3, 1 और 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब मोड ज्ञात कीजिए, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। आइए देख लेते हैं, अच्छा पहले 3 का देख लेते हैं ना, सबकी देखने की जरूरत नहीं, 3 का देख लेते हैं। 3 कितनी बार है, 1, 2, चलिए 4 कितनी बार है, 1, 2, इसका मतलब 3 और 4 तो क्लैश कर गए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे। आइए 5 देख लेते कितनी बार है, 1, 2, 3, 5 के होने के चांसेस बढ़ गए। 2 देख लेते हैं, 1, सिर्फ 1 ही है तो ये भी नहीं होगा, वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन देखना है फिर करना है, ठीक है, जो भी दोनों में से मैच हो जाए, जैसे ये मैच हो गए तो ये नहीं होंगे क्योंकि बहुलक हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि दोनों के सेम आ गए, बहुलक होने के लिए एक को ज्यादा होना पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस आधारित सवालों पर जवाब नीचे कंपनी दे। नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों की व्यय सूची दी गई है, जेड कंपनी है एक, उसकी जो है वर्षों की जो व्यय है अलग अलग वो दी गई है, वेतन पर कितना है, ईंधन और परिवहन, बोनस, ऋण पर ब्याज और कर, है ना। तो देखिए 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्चा कितना है, 2011 में कंपनी का कुल खर्चा मतलब वेतन प्लस ईंधन और परिवहन प्लस बोनस प्लस ऋण पर ब्याज प्लस कर, सबको जोड़ दो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सारे जो हैं ये पूरे में, मतलब कोई भी पॉइंट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा इसमें से उसमें 0.4 लगा हुआ रहेगा, एक ही ऑप्शन है लगाया। आगे बढ़े, वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है, चलिए किस पर बोला है, वेतन पर, है ना, वेतन किसका, 2012 का, 2012 का वेतन क्या है, 557 है, ठीक है, इस पर किसका, ईंधन और परिवहन का, ईंधन और परिवहन का क्या है, 233 है मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज इक्वल टू
विच इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 41.8 विच विल बी द आंसर, 41.8 ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है, मतलब वो संख्या क्या होगा, ऑब्वियसली 54 ज्यादा वाला होगा, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए, तो नई संख्या क्या होगा, कम वाला होगा। ध्यान से देखिए 28 को, इसका उल्टा क्या होता है 82, क्या इन दोनों में डिफरेंस 54 का, बिल्कुल, तो बाद वाला क्या होगा, नया वाला 28 होगा, नई संख्या 28 होगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन वाइज करना। अदरवाइज एक और तरीका है जो बुक में भी मेंशनड है, इसमें बोल रहा है दोनों संख्या का योग, तो सपोज ये है आपका वंस डिजिट और ये 10 डिजिट, इनका ये है और ये एक्स माइनस वाई, जो भी लिखा रहे डिफरेंस उसके डिवाइडेड बाय 9 करना है। कभी जब आपको जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको ये बता दूंगा ये 9 आता कहाँ से एग्जैक्टली, है ना, तो ये कितना जाएगा 6, फिर इनको सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ये तरीका होता है। अदरवाइज ये वाले मैथड से करो ना, इतना क्यों झमेला पालना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा आइए पहले देख लेते, सारे सेम है, बिल्कुल सारे सेम है, तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, 13/33, उस ये 33 तो भैया बिगड़ गया, रोकिए इसकी जुगाड़ लगा जाए, कुछ अच्छे से लिखा जाए, नहीं तो 13/33, उसके बाद है 32/47, उसके बाद है 20/47 और है के 25/27, 25/27। अब यहां ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जो ये आखिरी वाला है ना 25/27, ये बहुत नियर अबाउट 1 है, मतलब 2 और ऊपर हो जाता, बढ़ जाता तो 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना कितना सारा है, इसका मतलब भैया आखिरी में तो 25/27 रहेगा, क्योंकि यहाँ राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये और ये सही है, ऑप्शन नंबर बी तो भैया काट दो क्योंकि ये कहीं बीच में आ गया है 25/27, समझ में आ गया, एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं इन दोनों का यूज करता हूं, ठीक है, देखिए 32 और अगर मैं 2 कम कर लूं 30 कर लूं, इसको मैं लिख दूं 30 और इसको मैं कर दूं 50, 30 50, मतलब ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 1,500 वाला केस, और ये इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ आपका हुआ, सपोज यहां मैं ले लूं 50, 50 भी ले लूं तो यहां होगा 1,000, इसका मतलब ये गलत है, मतलब इसको इस तरफ होना चाहिए था और इसको इस तरफ होना चाहिए था। देखिए तो कौन से वाले ऑप्शन में, थर्ड वाला 32/47 है, थर्ड वाला 32/40, देखिए 32/47, अच्छा इसमें में दोनों में आ गया ना, अच्छा दोनों में आ गया, और सेकंड वाला 20/47 है, सेकंड वाला, ये देखिए मिल गया आपको, और आंसर नंबर हो जाएगा सी। समझ में आया, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये तथा 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1,100 रुपये, तो 2 कुर्सी और 1 2 मेज का मूल्य कितना होगा। सपोज 3 कुर्सी प्लस 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये है, 5 कुर्सी प्लस 3 टेबल का मूल्य 1,100 रुपये है, मल्टीप्लाई बाई, आइए कुर्सी को सेम कर दे, मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इक्वेशन बदल के हो जाएगी 3×5 15 + 10t इज इक्वल टू 3500, और नीचे वाली इक्वेशन ये वाली बदल के हो जाएगी 3×5 15k + 3 9 इज इक्वल टू 3300। आइए इसको इसमें माइनस कर देते हैं और हम लोग स्वाहा करते हैं, ये गया कट, ये हो गया t बराबर 200 स्वाहा। अब क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे ये हो गया कितना 400, 400 इधर गया तो ये हो गया 300, और t2 तो 3 के बराबर हो गया 300, तो k की वैल्यू हो गया स्वाहा। अब क्या पूछ रहा है, 1 कुर्सी प्लस 2 मेज, 1 कुर्सी की वैल्यू है 100
और दो मेज की कीमत है 200+2 मतलब 400, आंसर आ गया 500, हो गया स्वाहा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 परिमाणों का औसत 50 है, यदि 6 परिमापों का औसत 49 है और 6 परिमापों का औसत 52 है तो छठे परिमाप का औसत कितना होगा। देखिए सबसे पहले 11 परिमापों का बताया गया है 50, उसके बाद 6 की कहानी बताई है, 6 का दिया है 49 और नेक्स्ट 6 का दिया हुआ है 52, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 वाला केस, लेकिन ये है 11, मतलब बीच में जो छठवा वाला होगा उसको हमने दो दो बार गिन लिया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करूंगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल टू हाउ मच 550, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, सपोज इसको 50 ले लूँ ये हो जाएगा 300, 300 में से 6 कम कर दो तो विच इज इक्वल टू 294, और यहाँ पे क्या कर दो 6 × 52, 6 × 52, इसका मतलब 6 × 30 मतलब हो जाएगा 300, 300 प्लस 12 मतलब यहाँ पर जाएगा 312, इन दोनों को जोड़िए हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका कितना 6, 606, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 बड़ा, तो 6 वाला आइटम कितना होगा 56। समझ में आया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ठीक है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी है। देखिए एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार से बन रही है कितने डिग्री का, 60, कितना 10 मीटर, आपको पता 60 है तो ये होगा √3 और ये होगा 1 और एक की और ये होगा 2, 2 की वैल्यू अगर 10 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 5 होगी, तो क्या पूछ रहा है, दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 40,000 रुपए 2 वर्षों में 20% के वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा नहीं हुआ है बट मैं आपको बता दूं ये सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि ये ऑप्शंस, ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना एक भी आपको एसआई में नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा कहीं ना मिस्टेक है, ठीक है, या फिर ये आपको ये क्वेश्चन देख के भी समझना होगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष 20%, आपको मैंने सिखाया था 20+20 कब कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या सिखाया था, 20+20 क्या होता है 44 44, और 10+10 कितना होता है 21, ये आपको तो याद होना चाहिए मुंह जवानी। तो 20 20 44 मतलब देखिए 40,000 का 44% और जोड़ के मिल जाएगा, है ना, तो देखिए 40% 40,000 का, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, 40,000 का पेन की, पेन को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखिए 40,000 का 40% मतलब कितना, 4 × 4 = 16, इसका मतलब 16,000, लेकिन 4% तो और रहेगा ना, मतलब 400 का 4% मतलब और 1600, और 1600 इसका मतलब 17600 किस पर, 40,000 पर, इसका मतलब 57600, ऑप्शन नंबर, इसको बस दिमाग में रख के सोचना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, अंडरस्टूड। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 20 क्वेश्चन, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको मुहैया करा दूंगा। अच्छा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि कौन सी दिक्कत है, और मैं आगे वाले वीडियोस में क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, एज आई सेड अर्लियर इन दी वीडियो, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली थी, तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हो जाएगा हर चीज़, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो है पहले से टाइप हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए जो है एक सीक्वेंस वाइज चलाना पड़ता है, अदरवाइज इश्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है आपके बस कुछ ही वीडियो के बाद आपका क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप देख रहे हो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ठीक है, और बेल वाला बटन भी दबा दो, जैसे क्योंकि मैं ये अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप कॉपी लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे और अपने से फुर्सत हो जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेंगे, है ना। तो आई होप आपको पूरा क्लियर है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ के लिए मैंने बोला है कहाँ पे, टेलीग्राम पे, मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।